BC और AD की जो लेंथ है वो दी है, मतलब ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DAP, ये दो ट्रायंगल दिए हैं। इन दोनों ट्रायंगल्स के आप इस फिगर को ध्यान से देखें तो इन दोनों ट्रायंगल के जो बेस है वो इक्वल है। ट्रायंगल ABC का जो बेस है वो AB है और ट्रायंगल DAC का जो बेस है वो भी AB है। तो हमें निकालने के लिए कहा गया है कि इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया का रेशियो हमें निकालना है। तो हम पहले फॉर्मूले के हिसाब से हम वैल्यूज पुट करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DAB। और अब फॉर्मूला दिया है B1 into H1, और यहाँ पे बेस सेम है इसलिए हम B1 ही लिखेंगे इनटू H2। यहाँ पे देखिए हाइट, ट्रायंगल DAB की जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है और ट्रायंगल ABC की जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर है। BC ट्रायंगल ABC की हाइट है और AD ट्रायंगल DAB की हाइट है। तो हम यहाँ पे बेस इक्वल है इसलिए ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे H1 H2। तो हाइट 1 मतलब ट्रायंगल ABC की जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर है और हाइट H2 मतलब ट्रायंगल DAB की जो हाइट है वो 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे 4 1 4 और 4 2 8, तो हमारा एरिया दोनों ट्रायंगल्स के जो एरिया का रेशियो है वो 1/2 आ गया है और ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन के लिए आपको ये फिगर दी है उन्होंने। इस फिगर में जो PS है वो ट्रायंगल PQR, ये ट्रायंगल की हाइट है, और जो QT है ये जो हाइट है वो ट्रायंगल RQP की हाइट है। तो चलिए उन्होंने हमें निकालने के लिए कहा है कि QT हमें फाइंड करना है, मतलब RQP की हाइट फाइंड करनी है हमें। तो हम पहले अज्यूम करेंगे ट्रायंगल PQR RQ बेस लेंगे और PS हाइट लेंगे। हम इस ट्रायंगल के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे। जो फॉर्मूला है 1/2 बेस इनटू हाइट। तो ट्रायंगल PQR का जो बेस है वो RQ है, बेस RQ इनटू हाइट, हाइट PS है। अब हम इसे इतना ही छोड़ देंगे और इसको इक्वेशन 1 देंगे। अब हम चलेंगे ट्रायंगल RQP की तरफ। हम ट्रायंगल PQR ही लेंगे, पर उस जहाँ पहले ट्रायंगल PQR में हमने हाइट PS ली थी और बेस RQ दिया था, अब हम ट्रायंगल PQR ही लेंगे पर हाइट और बेस हम चेंज कर देंगे। अब ट्रायंगल PQR में
अब हम बेस लेंगे पी आर बेस लेंगे, क्यू टी हाइट लेंगे। और यहाँ पे भी हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा ट्रायंगल पी क्यू आर 1/2। यहाँ पे बेस है पी आर और हाइट है क्यू टी। इसको हम इक्वेशन 2 लिख देंगे। आपको ये नोट डाउन करना होगा, इतना नोट डाउन कीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। सॉल्व करने के बाद हमें ये 2 इक्वेशन मिले हैं। अब ये 2 इक्वेशन को हम लिखें, इन 2 इक्वेशन को लिख कर हम क्यू टी निकालेंगे। फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, तो फर्स्ट इक्वेशन हम यहाँ पे यहाँ लिखेंगे और सेकेंड इक्वेशन इस साइड लिखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखा है और सेकेंड इक्वेशन हमने राइट हैंड साइड लिखा है, तो अब इसे सॉल्व करेंगे। आप 1/2 1/2 दोनों साइड है, 1/2 इधर इस साइड आ रहा है तो वो निगेटिव हो जाएगा और पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कैंसिल हो गया। अब इन इन सब में वैल्यूज पुट करते हैं, तो हमें क्यू आर की वैल्यू दी है 6 और पी एस की दी है 6 6 36। यहाँ पे और ये 12 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, इसलिए इस साइड आके वो डिवीजन में जाएंगे और यहाँ पे क्यू टी एज इट इज, और यहाँ पे डिवाइड करने के बाद हमें 12 1 से 12 और 12 3 36, तो 3। तो हमारा आंसर आ गया है 3। तो क्यूटी की जो लेंथ है उन्होंने दी थी वो 3 यूनिट आई है। तो अब हम अगले क्वेश्चन के पास जाएंगे और अब ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है। आपको फोर्थ क्वेश्चन में डायग्राम दी है, एडी और बीसी ये दो पैरेलल लाइंस है और ए और इन दो पैरेलल लाइंस के बीच आपको ए बी सी और बी सी डी ये दो ट्राइंगल्स दिए हैं, तो आपको ये फिगर के रेफर करके आपको ए बी सी और बी सी डी का रेशियो निकालना है। तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, और ट्रायंगल ए बी सी और बी सी डी ये दोनों ट्रायंगल्स का जो बेस है वो इक्वल है। और मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, जब दो ट्रायंगल्स पैरेलल लाइंस के बीच में होते हैं तो उनकी जो हाइट रहती है, मतलब ए पी, ये दोनों ट्रायंगल्स की इक्वल है, मतलब उनमें कुछ फर्क नहीं है, इक्वल है। तो यहाँ पे आप एक प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है, जब दो ट्राइंगल्स दो पैरेलल लाइंस में होते हैं या दो ट्राइंगल्स की जो बेस है और हाइट है, मतलब दोनों बेस और हाइट जब इक्वल होती है तब उन दोनों ट्राइंगल्स का जो रेशियो होता है वो 1 होता है। जब एरिया ऑफ दोनों ट्राइंगल्स की बेस और हाइट इक्वल होती है तो दोनों ट्राइंगल्स का जो बेस होता है वो 1, दोनों ट्राइंगल्स का जो एरिया होता है वो 1 होता है। तो 1 आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा।
क्योंकि यार इस क्वेश्चन में नई प्रॉपर्टी यूज की है। सो आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म नहीं होती, एक क्वेश्चन बाकी यार, पर वो क्वेश्चन बहुत इजी है। आपको वो क्वेश्चन में सिर्फ ट्रायंगल्स ढूंढने हैं डायग्राम को, डायग्राम में देखकर, और उनके फॉर्मूला पे B1 इंटू H1 और B2 इंटू H2, इसके अकॉर्डिंग टू आपको वो लिखना है। अगर बेस सेम होगा तो वो कैंसिल कर देना है, अगर हाइट सेम होगी तो आपको हाइट कैंसिल कर देनी है, और जो आंसर आएगा वो आपको लिखना है। मुझे लगता है इतना समझाने के बाद आपको वो जरूर आएगा। प्लीज ट्राई करके देखिए, और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपको ऐसे ही सीखना होगा तो प्लीज हमारे आचार्य एकेडमी ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत मजा आएगा। आपके सब कॉन्सेप्ट्स डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे, और आपको 10th में बहुत अच्छे मार्क्स से आप पास हो जाओगे। तो नीचे आपको हमारा आचार्य एकेडमी का एड्रेस दिया है, प्लीज नोट डाउन कीजिए और जल्दी से जल्दी ज्वाइन करने का ट्राई कीजिए। थैंक यू।